भी क्लियर यहाँ करके जाऊंगी कि बाबा साहेब किसके लिए रोए। 18 मार्च 1956 को बाबा साहेब आगरा के रामलीला मैदान में फूट फूट कर रोए। 1942 में जब बाबा साहेब दिल्ली में लॉर्ड काउंसिल में लॉर्ड वायस राय की काउंसिल के सदस्य थे, तो वहाँ बाबा साहेब ने एक मेमोरेंडम तैयार किया। वहाँ के जो लॉर्ड थे लिनलिथगो ने 3 लाख रुपए हिंदू यूनिवर्सिटी को दिए और 3 लाख रुपए मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिए। तब बाबा साहेब ने लॉर्ड लिनलिथगो से कहा कि मेरा समाज ना तो हिंदू है और ना मुस्लिम है, आपको मेरे समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। और बाबा साहेब ने एक बात कही कि अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे मैं कुछ बात कह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि कहो आपको क्या कहना है। तब बाबा साहेब ने कहा, क्या आप मुझे 500 अंग्रेज ग्रेट वेज के बराबर मानते हो? उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपको 500 अंग्रेज ग्रेजुएट के बराबर मानते हैं। पर बाबा साहेब ने कहा, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि आज मैं अपनी विद्वता के बल पर, अपनी साधना के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर आज इस भारत में बड़े से बड़े पद को हासिल कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सत्य है, आज आपके अंदर इतनी योग्यता है कि आज आप अपनी योग्यता के बल पर इस भारत में बड़े से बड़े पद पर आप आसीन हो सकते हो। आपको जो कहना है, लिनलिथगो ने कहा कि आप अपनी बात एक मेमोरेंडम तैयार करके मुझे कहिए। तब बाबा साहेब ने कहा कि आप मेरे समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करें। तब बाबा साहेब ने कहा कि जिस तरीके से पढ़ने के लिए भेजें, और बाबा साहेब की ये शर्त मानकर उन्होंने, लिनलिथगो ने माना और तब 16 विद्यार्थियों को इस भारत से बाहर पढ़ने के लिए भेजा। बाबा साहेब ने बड़ी उम्मीद के साथ उन 16 विद्यार्थियों को भारत से बाहर पढ़ने के लिए भेजा। बाबा साहेब ये चाहते थे कि जिस तरीके से आज मैं अकेला भारत के बाहर पढ़कर आया और मैंने इतना काम संभाला, तो ठीक इसी तरीके से अगर 16 विद्यार्थी भारत के बाहर पढ़कर आएंगे तो कोई जज बनेगा, कोई इस देश के अंदर बड़ा डॉक्टर बनेगा, कोई इस देश के अंदर बड़ा इंजीनियर बनेगा, और जितने भी बड़े बड़े पद हैं, जितने भी बड़े बड़े महकमे हैं, वो उस बड़े से बड़े पद पर आसीन होंगे और इस देश की सत्ता मेरे समाज के लोगों के हाथ में होंगी। जब मेरे समाज के लोगों पर जुल्म और अत्याचार बिना वजह किए जाएंगे तो वो उनका निपटारा करेंगे। जब मेरे समाज के गरीब लोग बीमार होंगे तो डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। जब मेरे गरीब लोगों को, निर्दोष लोगों को बिना वजह किसी केस में फंसाया जाएगा तो जो जज बैठा होगा वो मेरे समाज का बैठा होगा और मेरे समाज के निर्दोष लोगों की वो जान बचाएगा, उन्हें वो फांसी की सज़ा नहीं होने देगा या दूसरी जो सज़ा उनके लायक नहीं है उसे नहीं होने देगा। लेकिन बाबा साहेब ने तो अपना काम कर दिया, उन 16 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन वो अपना काम पूरा ना कर पाए। कोई विदेश के अंदर बस गया और कोई अपने बीवी बच्चों में रम गया, और उनमें से हमारे एक भारत के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम KR नारायणन है, वो भी उन्हीं 16 विद्यार्थियों में से एक थे। इसलिए बाबा साहेब 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में फूट फूट कर रोए। लेकिन जब बाबा साहेब वहाँ रो रहे थे तो बुद्ध प्रिय मौर्य जी भी वहाँ पर थे। बाबा साहेब ने कहा कि मैं अपनी लड़ाई हार गया हूँ, मेरे मिशन को कौन गांवों तक पहुँचाएगा, मेरे गरीब लोग कैसे जागेंगे, इन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, इन्हें चमत्कार के देवी देवताओं के जाल में फंसाया जा रहा है, अब मेरे बाद मेरे समाज को कौन इनके चक्रव्यूह से निकालेगा। तब बुद्ध प्रिय मौर्य जी ने कहा कि साहब, मैं आपके मिशन को गांवों तक लेकर जाऊंगा, आप दुखी मत हो। और तब बाबा साहेब को कुछ शांति मिली और उन्हें लगा कि कोई ऐसा भी है कि मेरे मिशन को मेरे गरीब लोगों तक पहुंचाएगा। और बुद्ध प्रिय मौर्य जी ने बाबा साहेब के मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाया। आज उनकी मेहनत के कारण बहुत सारे लोग बुद्ध प्रिय मौर्य जी को सुनने के बाद जागे, और बुद्ध प्रिय मौर्य जी के बाद आज हम जैसे न जाने कितने लाखों लोग बाबा साहेब के साहित्य को पढ़कर, बाबा साहेब के प्रोग्राम को सुनकर, और आज जिसमें ये सोशल मीडिया बहुत अहम भूमिका निभा रही है, आज जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होते हैं वो पूरे भारत के अंदर ही नहीं, पूरे भारत से बाहर भी जो लोगों तक पहुँच रहे हैं। और शायद आपको यकीन ना आए, इस राखी रावण की वीडियो भी जो अभी हमारे भाई सुरेंद्र जी हैं, SM न्यूज़ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरी पहली वीडियो डाली और मेरे पास विदेशों से भी फ़ोन आते हैं, और दूसरी वीडियो भी मेरी डली हुई है, वहाँ से भी रोज़
मेरे पास फ़ोन आते हैं, तो मैं इसका सारा श्रेय अपने इन भाइयों को ही दूंगी कि जब हम काम घर में करते थे, लेकिन आज इनकी मदद से हमारे विचार, यानी कि हमारी जवान से जो बाबा साहेब के विचार निकल रहे हैं, इन भाइयों की मदद से आज वो विचार विदेशों तक पहुँच रहे हैं। राखी रावण की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज जब राखी रावण के पास विदेशों से भी फ़ोन आते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका सारा श्रेय बाबा साहेब के बाद मैं अपने इन भाइयों को ही देना चाहूँगी। मैं तो घर में रहने वाली एक महिला थी और बाबा साहेब के मिशन में तो मैं दिन रात काम करती रहूँगी, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपना नाम कमाऊँ, लेकिन मेरा मकसद ये ज़रूर है कि जितना भी हो सकेगा मैं अपने इस बहुजन समाज को इन देवी देवताओं के चंगुल से निकालने की पूरी कोशिश करूँगी और इस भारत के संविधान को हर महिला फॉलो करे, हर बच्चा फॉलो करे, हर पुरुष फॉलो करे, क्योंकि अगर हम इसके नियम तोड़ेंगे तो हम गड्ढे में जरूर गिरेंगे, नाली की कीचड़ में हम जरूर गिरेंगे और फिर से हमारे ऊपर ये मनुस्मृति लागू हो जाएगी, रामराज लागू हो जाएगा, जो हम कभी भी नहीं आने देंगे। हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन यहाँ रामराज कभी भी आने नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच। राखी रावण थी हमारे साथ, जिन्होंने एक ही लाइन में कह दी, कोई पूछता ना था तेरी बंदगी से पहले तूने मुझे छूके अनमोल बना दिया। तो बाबा साहब की बातों को, बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचा के आज राखी रावण देश विदेश तक पहचानी जाती हैं। इसी तरीके के वीडियोस, क्रांतिकारी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राखी रावण जी, आपने इतना समय दिया, इतनी सारी बातें की हमारे से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।